फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड आज मैं बताने वाला हूँ कि आज आप कैसे किसी भी साउंड या पीसी लैपटॉप या पीसी का लैपटॉप का कि आप उसका साउंड का इशू कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अब चलिए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, क्या फालतू का बकवास, सीधे चलते हैं सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे। आप ये जो विंडोज़ का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल जाने के बाद ये हार्डवेयर एंड साउंड दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जाइए। फिर आप डिवाइस मैनेजर पे जाइए, फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो साउंड वीडियो और गेम कंट्रोलर का ऑप्शन दिख रहा है, फिर यहाँ जो ये छोटा वाला दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आप क्लिक करिए और इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा अनइंस्टॉल का ऑप्शन, अपडेट ड्राइवर का भी आ जाएगा, डिसेबल का भी और अनइंस्टॉल का भी। ये अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल, इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, इसको भी। और फिर क्या करिए कि यहाँ पर जाने के बाद स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो जो आप अनइंस्टॉल किए रहेंगे साउंड का वो वापस से उसी जगह पे आ जाएगा और आपका इजली साउंड का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। और दूसरे तरीके भी हैं, आप यहाँ पे साउंड के जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जाने के बाद चेंज सिस्टम साउंड, यहाँ पे जाने के बाद इसको इनेबल या डिसेबल कर दीजिए। ये डिसेबल है ना, डिसेबल, डिसेबल कर दीजिए। अभी इनेबल है, आप डिसेबल कर दीजिए फिर इनेबल कर दीजिए, यहाँ से भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी आप इनेबल डिसेबल कर दीजिए, डिसेबल और इनेबल, यहाँ से आपका रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका वीडियो जैसे सुनाई नहीं दे रहा है वापस किसी को, तो आप प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से लिसन कर सकते हैं, लिसन टू डिवाइस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका खुद की आवाज़ सुनाई देने लगेगा। लेवल पे चले जाएंगे, यहाँ से भी सुनाई देने लगेगा। और आप, ये हो गया सेकंड तरीका। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर